हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशे की बनाई हुई जैकेट लेके आई हूँ। ये हाफ जैकेट है और ये मैंने टीनेजर गर्ल के लिए बनाई है। देखिए, ये बनाने बहुत ही आसान है। और ये देखिए, इसमें पैटर्न, ये पैटर्न मैंने इसमें डाला है। और देखिए, इसमें मैंने 1 2 3 3 मैंने फ्रंट में लिए हैं और 3 हमने ये लेफ्ट हो गए हमारे। और ये देखिए, और ये देखिए, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट हमारे ये बैक में आए हैं। और बनने के बाद फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारे लगती है और उतने ही आसान है। देखिए ये हमने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग की है। देखिए, यहाँ से हमने इसमें 169 चेन ली थी और 169 में मैंने ये दो बार इसमें हर एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाया। देखिए, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने पहले ये राउंड कंप्लीट किया, फिर ये किया। और ये पैटर्न हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था। और ये देखिए, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 13 डबल क्रोशिए में जाके बन के तैयार होता है। देखिए, ये दो हमने स्टार्टिंग में, ये देखिए दो हमने यहाँ पर दो चेन में हमने दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन हमने स्किप की। देखिए, 1 2 3 और फिर 4th चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 1 चेन स्किप की और फिर से हमने नेक्स्ट चेन में हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 3 चेन स्किप की और 2 डबल क्रोशिया बनाया। ये हमारे 13 चेन में जाके एक पैटर्न कंप्लीट होता है। फिर से हमने यहाँ पर ये 13, ये देखिए ये 13 में कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पैटर्न, इसमें देखिए हमने कोई भी जॉइंट नहीं किया है। ये यहाँ से देखिए, देखिए हमने इसकी यहाँ से स्टार्टिंग की है। ये हमारे 3 पैटर्न हमारे फ्रंट के हो गए और फिर ये 7 पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे बैक के हो गए और ये देखिए 1 2 3 ये हमारे फ्रंट के हो गए। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं किया है, ये हमने एक ही रो में कंप्लीट किया है। और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 13 चेन बनाएंगे। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हमने धागा और क्रोशिया लिया और इसका लूप बनाया। लूप बनाने के बाद अब हम 13 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए, ये चेन हम थोड़ा ढीला बनाएंगे, टाइट नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइट करने के बाद इसमें थोड़ा खिंचाव हो जाएगा जिससे इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी बनाने में। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमने बना लिया, 11 12 13। देखिए, ये हमारी 13 चेन होगी। अब एक बार और हम 13 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए, 13 बन गई। अब 13 के, अब इस 13 में हमारे ये दो पैटर्न बनेंगे। अब देखिए, अब तीन चेन और ले लेते हैं, 1 2 3 3 चेन लेने के बाद जो हमारा ये फोर्थ चेन है, फोर्थ चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जितनी भी हमारी चेन है हम हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये दो बन गए हमारे, ये देखिए इस तरह से, ये 3 4 5 6 7 इस तरह से। देखिए, हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हर एक चेन के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसकी बैक में आएंगे, बैक में भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम अपने 2 रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसे हमने इसमें स्टार्टिंग किया था, पहले हमने ये बनाया था, फिर इसके बाद हमने ये सेकेंड राउंड बनाया था। तो इस तरह से मैं ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे आगे क्या करें। देखिए, 2 राउंड हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें पैटर्न डालेंगे। इसके लिए देखिए, 1 2 3 3 हमने चेन ली। देखिए, अगर आपको बटन लगाने हैं तो आप इसमें, ये देखिए, 2 4 6 आप 6 डबल क्रोशिया, 6 चेन पे 6 डबल क्रोशिया बना के
आप अपना बटन पट्टी बना सकते हैं। अगर आपको डोरी डालनी है जैसे मैंने बनाया है, तो इसमें ये दो डबल क्रोशिया बना के फिर इसके अंदर हम डोरी डाल के बनाएंगे। तो अब देखिए, अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, अब एक और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए, फिर हम कोई चेन नहीं लेंगे, थ्री चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, थ्री चेन स्किप करके फोर्थ चेन में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसके ऊपर थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3, थ्री चेन बनाई। और जहाँ पर हमने देखिए ये 6 डबल क्रोशिया बनाया था, इसका ये नेक्स्ट जो हमारे ये वाला, देखिए ये वाली चेन है, इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे पहले हमने थ्री चेन बना ली थी, देखिए ये, अब फिर से हम थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3, थ्री चेन बनाने के बाद देखिए ये थ्री चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 3, थ्री चेन हम स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, देखिए देखिए, अगर हम इसको इन दो डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे तो हम यहाँ से देखिए, हमने दो डबल क्रोशिया से स्टार्टिंग की थी और दो ये हैं, ये हमारे 13 डबल क्रोशिया है और इसमें हमारा ये एक पैटर्न बन गया है। और नेक्स्ट पैटर्न हमारा ये दो डबल क्रोशिया से स्टार्ट होगा। और ये देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, हम कोई भी चेन नहीं लेंगे और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए थ्री चेन हम स्किप करेंगे, 1 2 3, थ्री चेन हमने स्किप की और फोर्थ चेन में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब हम इसमें थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसको इसमें डालेंगे, सॉरी इसको हम 1 चेन स्किप करेंगे, ये 1 चेन स्किप की और फोर्थ चेन इसमें नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हम थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3, देखिए थ्री चेन हमने बना लिया। अब हम थ्री चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 और ये दो हमारी चेन बनी है, बची है इनमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 और ये जो हमने थ्री की चेन ली थी एक इसमें बनाएंगे। देखिए यहाँ पे डाल के ये देखिए इस तरह से हमने ये बनाया। देखिए ये हमारे टू पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फिर से स्टार्टिंग करेंगे, इसको टर्न करेंगे और देखिए 1 2 3 ये हमने बनाया। अब इसको फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम स्टार्टिंग करेंगे, इसमें हम कोई भी चेन नहीं बनाएंगे और जो ये हमने बनाया है थ्री की चेन, इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 ये 6 हमने बना लिए, 1 2 3 4 5, 6 बनाने के बाद थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3, थ्री बनाई और फिर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से बनाने के इसी के अंदर बनाया, फिर हमने थ्री चेन बनाई, 1 2 3, थ्री चेन बना के फिर हम इसमें 4 डबल क्रोशिया में, ये देखिए 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, देखिए इसमें बनाएंगे हम 4, ये 4 हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब फिर से हम कोई चेन नहीं लेंगे और इसमें हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, अब थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसमें ये
डबल क्रोशिया। देखिए ये हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिया, थ्री चेन और एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हम थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री, और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जो थ्री की चेन थी इसमें बनाया, ये हमारा देखिए ये सेकंड राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। हर बार हम इसी तरह से अपना ये पैटर्न रिपीट करते रहेंगे। ये फिर हम देखिए टर्न करेंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था सेम उसी तरह हम अब यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम जब हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो कोई चेन नहीं लेंगे, और इसमें हम सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थ्री चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर थ्री चेन लेके यहाँ से अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक बार और बता देते हैं आपको, देखिए वन टू थ्री, थ्री हमने चेन ली, फिर नेक्स्ट चेन में हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर धागा लेंगे, फिर यहाँ पर हम सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। देखिए सिक्स डबल क्रोशिया बना लिया अब हमने। अब हम यहाँ पर थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हम इसमें थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, और ये जो हमारे फोर डबल क्रोशिया है देखिए वन टू थ्री फोर, फिर इसमें हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से दोबारा ये हमने फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे एक बार और। ये देखिए इस तरह से ये हमने फोर डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कोई भी चेन नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। देखिए सिक्स हमारे ये डबल क्रोशिया बन गया। अब थ्री चेन बनाएंगे, फिर से यहीं पर इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, और यहाँ पर देखिए जो ये दो डबल क्रोशिया है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपना ये पैटर्न बनाते हुए बार बार यही रिपीट करेंगे और ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनकर आएगा। देखिए ये जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, देखिए जो हमने इसकी यहाँ से स्टार्टिंग की थी, ये हमने 169 चेन लेके इसमें देखिए ये दो बार हमने इसमें डबल क्रोशिया बनाया। जैसे ये 169 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार और राउंड बनाया, और फिर 13 के डबल क्रोशिया में हमने अपना ये पैटर्न डाला। देखिए यहाँ से यहाँ तक 13, फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक फिर से 13, इस तरह से हमारा ये जितने भी हम पैटर्न डालेंगे ये 13 के गैप पर डालेंगे और हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।